की हवाई ताकत कैसे दिनों दिन बढ़ रही है, कैसे भारत की वायुसेना दुनिया के दिग्गज वायु सेनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, इसकी तस्वीर अब आपके सामने होगी। तमिलनाडु के सुलूर में वायुसेना के अभ्यास को लेकर खबर है। तरंग शक्ति 2024 अभ्यास में 30 देश शामिल हैं। एयर एक्सरसाइज में 10 देशों के लड़ाकू विमान, दो चरण में तरंग शक्ति 2024 एयर एक्सरसाइज को लेकर खबर। किसी भी देश के पराक्रम और शौर्य की गाथा वायुवीरों के बिना अधूरी है। ऐसे में हिंदुस्तान में हो रहा तरंग शक्ति 2024 बेहद मायने रखता है। न सिर्फ भारत बल्कि 30 देश इस एयर एक्सरसाइज में शामिल हैं। इसके अलावा 10 देशों के लड़ाकू विमान तरंग शक्ति अभ्यास में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के सुलूर के बाद राजस्थान के जोधपुर में भी अभ्यास होगा। अब TV9 संवाददाता अंजू निर्वाण की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के सुलूर में भारतीय वायुसेना की तरंग शक्ति एक्सरसाइज की जा रही है और इस एक्सरसाइज में भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं 50 से ज्यादा देश और यहां पर अपनी वायु शक्ति का दमखम दिखाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि आसमान में उड़ता हुआ जो विमान आपको नजर आ रहा है ये तेजस विमान है जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा काल के भी 7 से ज्यादा साल पूरे कर लिए हैं। इस लड़ाकू विमान की ताकत को अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने भी सराहा है। एक सटीक और जेट इंजन वाले इस हल्के लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। आसमान में उड़ता हुआ इस वक्त आपको जो एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है ये भारतीय वायुसेना का तेजस विमान है। तेजस जो कि भारत की शक्ति का प्रतीक है। तेजस को तैयार करने के पीछे भारत सरकार की मंशा था कि इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाए और MiG-21 एयरक्राफ्ट को इस वायु यान ने यानी कि इस एयरक्राफ्ट ने जो है उसको रिप्लेस किया है। ये बेहद शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। आने वाले सालों में 2026 से लेकर 29 तक भारतीय वायुसेना को तेजस Mark II भी मिलेगा यानी कि लगातार इसको अपग्रेड करने का भी काम किया जा रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तरंग शक्ति एक्सरसाइज का ये हिस्सा बना है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मंगई के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। अब आपको एयर एक्सरसाइज से जुड़ी एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और इस वक्त आपको तरंग शक्ति एक्सरसाइज में हिस्सा लेता हुआ यूरोप का टाइफून एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। ये टाइफून जो है ये विदेशी एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर इस एक्सरसाइज का ये हिस्सा बना है। टाइफून की अगर हम खासियत की बात करें तो ये यूरोफाइटर टाइफून एक यूरोपीय मल्टीनेशनल ट्विन इंजन सुपरसोनिक कैनार डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है। तीनों कंपनियां यूरोफाइटर ये जो टाइफून एयरक्राफ्ट है एक तरीके से उसका निर्माण कर रही है। इसके अलावा यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन का प्रतिनिधित्व करने वाली नाटो यूरोफाइटर और टॉर्नेटो मैनेजमेंट एजेंसी इस परियोजना का प्रबंधन करती है और इसकी मुख्य जो सबसे कह सकते हैं प्रमुख ग्राहक भी है। और ये आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ यूरोफाइटर टाइफून हवा में हैरान करने वाला एक ऐसा एयरक्राफ्ट है। आप देखिए इसका मैनूवर आप देख सकते हैं। यूरोफाइटर टाइफून एक अत्याधुनिक फुर्तीला विमान है। हवा में डॉग फाइट के दौरान यूरोफाइटर टाइफून को इंगेज करना कोई आसान काम नहीं है। इसे खास तौर पर दुश्मन के लड़ाकू विमानों के साथ हवा में युद्ध करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यूरोफाइटर टाइफून को शॉर्ट टर्म सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉर्म शैडो, ब्रिमस्टोन और मार्ट ईयर मिसाइलों सहित विभिन्न हथियारों उपकरणों से लैस किया गया है। टाइफून ने 2011 में लीबिया में युद्ध के दौरान यूके की रॉयल एयरफोर्स और इतावली वायुसेना के साथ हवाई टोही और जर्मनी हमले के मिशनों को अंजाम देते हुए अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी और यहाँ पर आपको वही विदेशी यूरोपीय टाइफून एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर तरंग शक्ति एक्सरसाइज में बहुत सारे देशों के एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं उसमें से यूरोप
यूपीए टाइफून एयरक्राफ्ट ही इसका हिस्सा बना है। बेहद खास और दिलचस्प ये तस्वीर है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि टाइफून एयरक्राफ्ट के साथ तेजस विमान ने भी उड़ान भरी थी और किस तरीके से हमारे तेजस ने कहीं ना कहीं उसको घेर लिया। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं टाइफून एयरक्राफ्ट की वो उड़ान जो बेहद खास है।